इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र सरकार ने भी 19 जनवरी 2019 को मुंबई उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को कोल्हापुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ या सेक्रेटरी बेंच स्थापित करने का आग्रह किया था। अतः मैं सरकार को यह मांग करता हूँ, इस क्षेत्र की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के हेतु जल्द से जल्द मुंबई बम्बई उच्च न्यायालय के एक सर्किट का बेंच का कोल्हापुर में स्थापित की जाए। श्री कौशलेंद्र कुमार जी, मैडम नियम 377 के अधीन आपने आज बोलने का मौका दिया है, इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। बिहार का विकास उचित नीतियों के अभाव में एवं विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारणों के चलते बाधित होता रहा है। इस अवधि में सामाजिक जबकि दक्षिण एवं पश्चिम भारत का तटीय राज्यों में औद्योगिक विकास हुआ है, मगर बिहार पिछड़ेपन का शिकार रहा। इसके अतिरिक्त नेपाल एवं अन्य राज्यों से प्रभावित होने वाली नदियां से प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना में हुए नुकसान की भरपाई हेतु बिहार को अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ता है। ऐसे कारण जो बिहार के नियंत्रण में नहीं है की वजह से राज्य को प्रत्येक वर्ष बाढ़ की पीड़ा झेलनी पड़ती है। बाढ़ राहत पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्य का काफी राशि व्यय होता है। 11वें वित्त आयोग में बिहार का हिस्सा 11.589% था, जबकि 12वें वित्त आयोग में घटकर 11.28% हो गया। 13वें वित्त आयोग में 10.917% हो गया। 14वें वित्त आयोग में 9.665% हो गया। केंद्र सरकार 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा को दिखाकर राज्य के हितों की बात करती है, किंतु 14वें वित्त आयोग में की अनुशंसा के तहत राज्यों को अंतरण जो 32% से बढ़ाकर 42% दिया गया है, मात्र एक संरचनात्मक परिवर्तन है। एक और कर अंतरकरणों में वृद्धि के कारण राज्यों की जो हिस्सेदारी बढ़ी, वही दूसरे और केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय परियोजनाओं एवं केंद्र परियोजित योजनाओं में कटौती के कारण काफी हद तक समायोजित हो गई है। फिर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों का भला कहाँ हुआ? राज्य विकास के विभिन्न मापदंड जैसे प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सांस्कृतिक वित्त एवं मानव विकास के सूचकांकों पर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। बिहार विभाजन के बाद उपरांत प्रमुख उद्योगों के राज्य में नहीं रहने के कारण सरकारी एवं निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार ने भी इस क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए बिहार को कई विशेष मदद नहीं की है। इन्हीं कारणों के राज्य के विकास का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और आज परिस्थिति यह है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 58% कम है। अतः बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधान 14वें वित्त आयोग की सिफारिश और रघुराम राजन कमेटी का रिपोर्ट का ध्यान में रखकर बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना ही होगा। दूसरा, बिहार एक